चुनाव के अंदर मैंने अपक्ष उम्मीदवारी भरी थी, आज वो उम्मीदवारी आज मैंने वापस लिया हूँ। और उम्मीदवारी वापस लेने के बाद अब इसके बाद में जो राजकारण होगा उसके समीकरण 7 दिन के बाद कांग्रेस के नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी का, ये दोनों पार्टियां छोड़ के मैं अगला काम करूंगा। आप एमआईएम को सपोर्ट कर सकते हैं? मैं किसको सपोर्ट कर, राजेंद्र राणा और सुभाष झामण एक हो सकते हैं तो क्या इम्तियाज जलील ने मेरे बंधारे काटा है क्या? राजकारण है, राजकारण में कौन कितना जातिवाद कर रहा है वो मुझे भी समझता है। मुझे इम्तियाज जलील ने कोई मेरा बिगाड़ा नहीं, वो भी मेरा दोस्त है, मेरा साथी है। और अगर चाहे वो चुन के आता है तो उसको भी मदद की जाएगी, अगर जाधव चुन के आता है तो जाधव को भी मदद की जाएगी, जो भी गिराएगा चंद्रकांत खैरे को उसको मदद की जाएगी कांग्रेस छोड़ के। आज के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन के नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं। फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।